हेलो गाइस, स्वागत है आपका मार्वल फ्यूचर फाइट की एक और वीडियो में। और आज हम बिल्ड करेंगे ड्रैक्स को। आप सोच रहे होंगे कि ड्रैक्स को क्यों बिल्ड कर रहे हैं, क्योंकि ड्रैक्स स्टोरी मिशंस में आ गया है और इससे मुझे वो फ्रेगमेंट मिलेगा जो स्टोरी फ्रेगमेंट मेरे पास सबसे कम है। और ड्रैक्स उसका एक क्या कहते हैं वो करेक्टर है जो उस स्टोरी मिशंस के लिए चाहिए, तो इसलिए आज हम ड्रैक्स को वो करेंगे अब एकंड। ठीक है, जैसा कि आप देख सकते हैं ड्रैक्स पहले ही टीयर 2 पे हैं और लेवल 60 भी है ये, तो हम इसका रियलाइज पोटेंशियल करेंगे। द डिस्ट्रॉयर, द थानोस डिस्ट्रॉयर ज़्यादा ठीक लगता है, पर ठीक है जो भी है। एनहांस पोटेंशियल करेंगे। ठीक है, हमेशा ध्यान रखें कि इसके अंदर हमेशा नॉन स्टोन ऑफ केयर्स को ही यूज़ करें, क्योंकि बाकी CCF भी आपको Tier 3 और अवेकन करने में यूज़ आता है, और BAM आपको गियर अप करने में और बाकी कई जगह यूज़ आता है। ठीक है ना, कभी कार कुछ स्पेशल यूनिफॉर्म्स को अपग्रेड करने में भी काम आता है। नॉन स्टोन ऑफ केयर्स सिर्फ प्रीमियम नहीं तो नेटिव Tier 2 कैरेक्टर्स को मास्टरी करने में यूज़ आता है और कहीं यूज़ नहीं आता है। ठीक है, जैसे ही आपके सारे नेटिव Tier 2 कैरेक्टर्स की मास्टरी कंप्लीट हो जाएगी, नॉन स्टोन ऑफ केयर्स का कोई काम नहीं रहेगा। तो इसका क्यों यूज़ करेंगे, इसको हम यूज़ करते हैं फिर पोटेंशियल एनहांस करने में। पर सही बताऊँ तो अब मेरे पास नॉन स्टोन ऑफ केयर्स बहुत कम बचे हैं, क्यों ना मैं BAM ही यूज़ करूँ। ठीक है, वैल्यूज़ बता देता हूँ, ये 50 लगेगा, ये 276 लगेगा, और ये रहेगा 231 पहले पोटेंशियल, पहले एनहांसिंग पोटेंशियल के लिए। ठीक है, इसके बाद हम लेवल अप करेंगे और हम यूज़ कर रहे थे स्टॉर्म के बायोस, तो स्टॉर्म के बायोस को यूज़ करेंगे। ठीक है, कितने लगे, 361 लगे और 62 लेवल का हो गया। एनहांस पोटेंशियल किया, अब ये 100 चाहिए, ये BAM चाहिए 553 और NSC चाहिए 461, तो हम लेंगे BAM फिर से, क्योंकि हमारे पास BAM कुछ ज़्यादा ही हो गए हैं, अति से ज़्यादा हो गए हैं। लेवल अप करेंगे और स्टॉर्म के बायोस यूज़ करेंगे, इस बार हमें लगेंगे 424 बायोस। फिर से एनहांस पोटेंशियल करेंगे, इस बार ये 151 है ना, 151, ये 827 और ये लगेगा 690। BAM यूज़ करते हैं 827। ठीक है, लेवल अप करेंगे स्टॉर्म, ये रही। ठीक है, इसके बाद फिर से एनहांस पोटेंशियल, इस बार ये 301, ये है 1667 और ये है 1389, तो इस बार हम थोड़े मटेरियल्स को बचाएंगे। कंप्लीट हो गया, अब हम लेवल अप करेंगे, स्टॉर्म के बायोस ढूंढेंगे, कहाँ है स्टॉर्म, ये रही। ठीक है, मैक्स करेंगे, 537 बायोस लगेंगे इस बार। ठीक है, फिर से एनहांस पोटेंशियल करेंगे और फिर से इस बार थोड़ा मटेरियल बचाएंगे। ठीक है, यहीं तक खूब है, करके देखते हैं, शायद फेल नहीं हो, बच गए। और अब लास्ट लेवल अप, इस बार लगते हैं शायद 604, जहाँ तक मुझे याद है, स्टॉर्म 604, बिल्कुल सही कहा, और ये 70 लेवल पहुँच गया। ओके, इसके बाद अवेकन पोटेंशियल करने से पहले हम इसके गियर्स को कर लेते हैं। ठीक है, गियर्स के आप वैल्यूज़ देख सकते हैं। हाँ तो गाइज, तो जैसा कि आप देख सकते हैं मटेरियल्स कितने 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 हैं हमारे पास, और एंड में मैं बता दूंगा कि गियर्स में हमारे कितने मटेरियल यूज़ हुए। ओके, सो लेट्स गो, बाप रे, 19 21 6 फुल व्यू, मेरे को लगा मैं लूट गया। 16 6 बाप रे, एंड 22, ओके 622 मिलके शायद ठीक हो गए होंगे। थर्टीन थर्टीन इलेवन, बहुत बढ़िया मुझे लगता है कि मैं अच्छा करूँगा। 20 ओके, 20 अगेन ओके, 20 अगेन ओके, शायद मैं एवरेज सब बुलाई रहा हूँ, पता नहीं। चारों गेयर्स हो गए, मटेरियल इन्वेंट्री में देख लेते हैं कितना मटेरियल्स यूज़ हुए। तो मैं आपको यहाँ टेक्स्ट में लिख दूंगा कि कितने BAM यूज़ हुए, BAM इतने यूज़ हुए हैं और TCP और EOD इतने यूज़ हुए हैं। ठीक है गाइस, तो गियर्स कंप्लीट हो गए, अब हम इसको अवेकन करेंगे। तो वही नॉर्मल कैरेक्टर्स हैं, ठीक है, नॉर्मल कैरेक्टर है सिंपल, तो इसलिए 240 CCF ही लगेंगे, 350 क्रिस्टल्स लगेंगे अवेकनिंग क्रिस्टल्स और 1000 मैंडलेजन फ्रेगमेंट। वाह, वीडियो बहुत अच्छी थी यार, दौड़ 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 मुक्के में मुक्के मारता गया मारता गया मारता गया, वाह। ठीक है, ट्रांसेंड पोटेंशियल करने से पहले हमें इसकी स्किल्स को लेवल 6 करना होगा। लेवल 6 करने के लिए हमें 350 क्रिस्टल्स और चाहिए अवेकनिंग क्रिस्टल्स, बाकी BAM और नॉन स्टोन केयर्स तो चाहिए ही। ठीक है, अब हम इन्फो में जाएंगे, ट्रांसेंड पोटेंशियल पर क्लिक करेंगे, 100 अवेकनिंग क्रिस्टल्स और 200 मैंडले जंग फ्रेगमेंट, और ये हमारा ट्रांसेंड पोटेंशियल हो गया। ओके गाइस, क्लोज करते हैं। चैलेंजेस में वही हमारे इमरजेंसी क्रिस्टल्स होंगे, जिसमें मैंने कुछ यूज़ कर लिए होंगे, क्योंकि ये बहुत ही पुराना करेक्टर है। ठीक है, बैक करते हैं, बैक करते हैं, और अब हम देखते हैं कि कहाँ है ड्रैक्स द थानोस डिस्ट्रॉयर, और ये रहा हमारा ड्रैक्स द थानोस डिस्ट्रॉयर। ओके गाइस, सो
यही है आज की वीडियो के लिए, इतना ही। ठीक है, ड्रैक्स को हमने अवेकन कर लिया है, ट्रांसेंडेंट पोटेंशियल भी कर लिया है। तो थैंक यू, बाय बाय।